नमस्कार तो कैसे आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के आईपीएल के मुकाबले के बारे में जो कि यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग के बीच में इसमें हम लोग यहाँ पे आपको जो एक करोड़ वाली ग्रैंड लीग दिख रही इसे हम लोग हिट करने की कोशिश करेंगे पांच ग्रैंड लीग की बेस्ट टीमें यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूंगा यानी कि इन्हीं से सिमिलर टीमें आप लोग को यहाँ पे इस वाली ग्रैंड लीग में टॉप फाइव में या फिर यहाँ पे ग्रैंड ग्रैंडिक को विन करते हुए आपको दिख जाएगी ठीक है तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सिंपली इन पांच टीमों का लॉजिक समझेंगे कि किस तरीके से ये टीमें वर्क करती है और फ्रेंड्स अगर आप लोग इन टीमों के जरिए और भी टीमें आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग पूरी यहाँ पे मेरे हिसाब से दस टीमें टीम बना सकते हो बीस टीमें भी आप लोग बना सकते हो आपके पास अदर अकाउंट है तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे और भी ज्यादा टीमें बना पाओगे ठीक है सिंपली हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ ग्रैंड के एडवांस ट्रम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे कि पियर प्रोडक्शन किस तरीके से काम करता ट्रंप गार्ड प्रोडक्शन किस तरीके से काम करता और सेकेंडरी प्लेयरों को आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है ठीक है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में जाके एक लाइक आप लोग जरूर से कर देना और फ्रेंड्स पहली बार चैनल तक पहुंचे हो तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ठीक है क्योंकि आप लोग लो हमारी फैंटेसी फैक्टर फैमिली के साथ नहीं जुड़े हो तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो ठीक है आप लोगों को यहाँ पे ग्रैंड लीग का भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है स्मॉल लीग में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्लेयरों को ट्राई कर सकते हो और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आईपीएल में स्टैट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते ठीक है जो भी लोग आपको स्टैट्स वगैरह बताते हैं आप लोग खुद बताइए कि यहां पे आई में फ्रेंड्स 10 से 15 परसेंट ही स्टैट्स ओनली काम करते हैं बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चीजें चलती हैं आई में नए नए जो बंदे रहते हैं वो उनको यहां पे फ्रेंड्स मौका मिलता है तो उनके यहाँ पे ज़्यादा चलने के चांसेस रहते हैं ठीक है इसीलिए मैं कहता हूं कि आईपीएल में आप लोग थोड़ा सा स्टैट्स को कम फॉलो करिए और आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप की सोच यहां पर अपने रखिए ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इन इस वाले मुकाबले के पांच कॉम्बिनेशनों से तो फ्रेंड्स सबसे मूल मंत्र जो ग्रैंडिक का होता है वो होता है इमेजिनेशन जितनी अच्छी आप लोग की इमेजिनेशन रहेगी उतना अच्छा आप लोग ग्रैंडिंग परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की टीम बनेगी ठीक है तो आपको इमेजिन बस एक ही चीज करना आपको इमेजिन करना पे इस मैच का रिजल्ट ठीक है रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स या तो या पे कोलकाता नाइट राइडर की टीम विन करेगी या फिर या पे पंजाब किंग की टीम विन करेगी ठीक है तो सिंपली ये दो कॉम्बिनेशन हमारे जो फर्स्ट के रहेंगे पहला कॉम्बिनेशन हमारा जाएगा फ्रेंड्स पे कोलकाता नाइट राइडर के फेवर में आप लोग यहां पे देखिए मैंने दोनों ओपनरों को पिक किया कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से और इनके जो पांच मेन बॉलर है इनको मैंने पे पिक किया ठीक है एक तो हमारे ऑलराउंडर हो गए तो मुझे कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छे बंदे पे मिल गए वेंकटेश वेंकटेशयर जो कि आपको बताया बॉलिंग भी करा रहे और फ्रेंड्स आपको पता है लास्ट जो मैच हुआ था उसमें हमारे ये स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन भी थे ठीक है हम लोगों ने वन साइड इनकी वजह से विन किया था और आपको पता बैटिंग भी बहुत जबरदस्त कर लेते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे सुबमन गिल फ्रेंड्स हमें एक अच्छे वाइस कैप्टन के, के रूप में यहाँ पे मिल गया तो ये प्लेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोग चाहो तो यहाँ पे कुछ यूनिक भी आप लोग कर सकते हो जैसे आप लोग यहाँ पे सुनील नारायण को भी ले सकते हो और टीम साउथी ठीक है एक बॉलिंग प्लेयर इनके साथ भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो इस टीम में जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे वेंकटेश अयर को कैप्टेंसी दी है तो आप लोग भी वेंकटेश अयर को ही कैप्टनसी दी आप लोग चाहो तो कुछ यूनिक भी आप लोग कर सकते हो आपको लग रहा है कि लॉकी फर्गनसन अच्छे विकेट निकाल सकता तो लॉकी फर्गन सुबन गिल इनके प्लेयर के साथ भी आप लोग जा सकते हो ठीक है आपको लग रहा है वरुण चक्रवर्ती अच्छे विकेट निकाल सकता तो वरुण चक्रवर्ती और आप लोग यहाँ पे सुबन गिल या फिर वेंकटेश अय्यर इनके प्लेयर के साथ भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो यानी कि आप लोग चाहो तो इस टीम में फ्रेंड्स और भी टीमें आप लोग बना सकते हो ठीक है ये पांच टीमें तो आपको यहां पे मिलेगी लेकिन मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में है कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे बीस टीमें बना सकते हो और आप लोगों के पास अदर अकाउंट भी है तो आप लोग और भी ज्यादा टीमें यहाँ पे बना सकते हो इन पांच टीमों को बीस में रख के ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपनी जो टीम बनाओगे और उसमें आप लोगों को चेंजेस करने ये चार जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं फ्रेंड जो कि हम लोगों ने पंजाब किंग की तरफ से पिक किए इनको भी आप लोग रोटेट कर सकते हो अभी मैंने सारे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ से पिक किए पंजाब किंग से क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपनिंग बॉलरों को पिक किया है ठीक है तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे ओपनिंग बॉलरों को मतलब एवरेज मान के यहाँ पे इनके ओपनरों को आप लोग पिक कर सकते हो तो पंजाब किंग की तरफ से ठीक है और बैट्समैन को ही आप लोग इस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे पिक करने की कोशिश करना या फिर आप लोग और एडवांस इसमें करना चाहो तो क्या कर सकते हो एक ओपनर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो उसकी जगह फर्स्ट राउंड का बैट्समैन आप लोग ले सकते हो ठीक है और यहां से पंजाब किंग से आप लोग एक ओपनिंग बॉलर को पिक कर लेना जो कि यहाँ के जो कोलकाता नाइट राइडर का ओपनर है उसका जो विकेट निकालेगा ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो ठीक है इमेजिनेशन बहुत जरूरी है ग्रैंडिंग के लिए ये चीज़ आप लोग ध्यान में देना आपको रिजल्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरीके से मुकाबले में आ सकता है ठीक है अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे टीम नंबर टू के कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है पंजाब किंग के फेवर में ठीक है इसमें आप लोग देखिए मेरे पे मैंने पंजाब किंग के दोनों ओपनरों को यहाँ पे पिक किया और दोनों को मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दिया पांच मैंने इन्हीं के बॉलर यहाँ पे पिक किए क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये दोनों के दोनों ना पूरा का पूरा स्कोर चेंज कर लेंगे ठीक है इन दोनों को देख के आपको एक फील भी आ रहा होगा कि हाँ यार ये दोनों के दोनों बंदे इतने कैपेबल है कि पूरे स्कोर को यहाँ पे अकेले ही चेंज कर सकते हैं ठीक है आपको पता है लोकेश राहुल फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और आप कंसिस्टेंसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं ठीक है मयंक अग्रवाल भी आपको पता है फ्रेंड्स बहुत अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है और दोनों के दोनों मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे स्कोर को चेज करने के लिए कैपेबल पर्सन है ठीक है अगर सपोज दैट ये टीम ड्रीम टीम में बनती है तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पे ड्रीम टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए ठीक है बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक और प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगा वो लगा फ्रेंड्स मुझे इनका बॉलिंग का प्लेयर जो कि रवि बिश्नोई और हरदीप सिंह का लगा ठीक है आप लोग चाहो तो यहाँ पे कुछ यूनिक भी आप लोग कर सकते हो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे नाथन एल्स और एच बरार इसके पेयर के साथ भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो ठीक है आपको थोड़ा है सा फ्रेंड्स पे अलग अलग, अलग एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे ग्रैंडिंग में अगर एक करोड़ विन करना तो फ्रेंड्स इतना ईजी नहीं होता एक, एक करोड़ को विन करना एक करोड़ को विन करने के पीछे फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट भी करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें आपको इमेजिन भी करनी पड़ेगी ठीक है जरूरी नहीं कि ये पांच चीज जो मैं कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूं यही ग्रैंडिक को विन करें ठीक है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को ना विदाउट एनी सेकंड स्किप किया आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिए ठीक है अब हम लोग यहाँ फ्रेंड्स फ्रेंड पे टीम नंबर थ्री की तरफ तो आपको पता है कि टीम नंबर वन को हम लोगों ने यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर को विन कराया टीम नंबर टू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे पंजाब किंग को विन कराया अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीम नंबर थ्री के अकॉर्डिंग कि कौन सी टीम विन करी कौन सी टीम हार रही ठीक है आपको पता फ्रेंड्स कई मुकाबले ऐसे भी होते हैं जैसे किसी भी सीरीज के आप लोग उठा के देखिए अराउंड थर्टी परसेंट मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर काफी ज्यादा क्लोज फाइट होती है ठीक है तो अभी हम लोगों ने ये जो स्टार्टिंग के दो कॉम्बिनेशन बनाए वो वन साइडेड बनाए थे अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज फाइट को लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे ठीक है तो टीम नंबर थ्री हमारी तब काम करेगी जब क्लोज फाइट यहाँ पे होगी यानी कि हो सकता है किसी टीम ने दो रन से मुकाबला विन कर लिया या फिर एक आध विकेट से मुकाबला विन कर दिया इस तरीके की क्लोज फाइट आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो उस टाइम पे ये टीम वर्क करेगी उस टाइम पे फ्रेंड्स ये वाली टीम रहेगी हमारी जो ग्रैंडिक को हिट करेगी इसमें ना राहुल त्रिपाठी की, की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने कैप्टनसीडन मार्कर को दिए इस टाइम पर अगर सपोज दैट लोग इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाते भी है तो मैक्सिमम लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टन से जाएंगे यहाँ पर लोकेश राहुल और सुभमन गिल या फिर यहाँ पे वेंकटेश आयर इन पे मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टन से जाएंगे ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक जाने की कोशिश की राहुल त्रिपाठी और यहाँ पे एडम मार्करम की तरफ जब भी आप लोगों को लगे कि आपकी टीम नॉर्मल सी बननी सीफ टीम आपको बननी तो आप तब आप लोग क्या करिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऊपर आप लोग उस टाइम पर रिस्क लिया कीजिए ठीक है इससे क्या होगा कि आपके चांसेस भी बने रहेंगे ग्रैंडिंग में और फ्रेंड्स आपकी टीम थोड़ा सा यूनिक भी बन जाएगी अब हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे टीम नंबर फोर की तरफ तो फ्रेंड्स आई का पता होगा कि आईपीएल किस चीज़ के लिए जाना जाता है जाना जाता अपनी बैटिंग के लिए ठीक है और फ्रेंड्स आपको पता अराउंड ट्वेंटी फाइव और थर्टी परसेंट मुकाबले ऐसे होते हैं आईपीएल के जहां पे बहुत अच्छी बैटिंग होती है और बॉलरों के पॉइंट उस टाइम पे क्या हो जाते हैं माइनस में बॉलरों के पॉइंट चले जाते हैं ठीक है थीके? तो वो यही कंडीशन हो रहेगी फ्रेंड्स उस टाइम पर ये वाली टीम जो रहेगी वो ग्रैंडिक को हिट करेगी ठीक है इसमें आप लोग देखिए मैंने नॉर्मल से बॉलरों को पिक किया टीम साउथ ही मोहम्मद शामी नाथन एल्स ठीक है और आप लोग देखिए सारे के सारे बैट्समैनों को मैंने यहाँ पे पिक किया ठीक है कप्टनसी मैंने यहाँ पे लोकेश राहुल को दी है और वाइस कैप्टनसी बने यहाँ पर नीतीश राणागोड़ी आप चाहो तो यहाँ पे दिनेश कार्तिक को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो राहुल त्रिपाठी को भी दे सकते हो वाइस कैप्टनसी आप लोग यहाँ पे सुबह वेंकटेश िल ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है ठीक है आप लोग जितना ज्यादा चाहो तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस टाइप के भी बना सकते हो क्योंकि फ्रेंड जितने ज्यादा आपके कॉम्बिनेशन रहेंगे ना उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे जितने ज्यादा आप लोग इमेजिन करोगे जितने ज्यादा आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आप लोग ग्रैंडिंग में और अच्छा परफॉर्म करोगे ठीक है तो आई होप आप लोग को यह टीम नंबर फोर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम लोग चलेंगे टीम नंबर फाइव के कॉन्सेप्ट की तरफ तो फ्रेंड्स टीम नंबर फाइव हमारी उस टाइम पर काम करेगी जब बॉल और बॉल अच्छा करेंगे ठीक है फ्रेंड्स आपको बता अराउंड थर्टी ऐसे मुकाबले होते किसी भी सीरीज के जहां पर बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म करते बैट्समैन नहीं चल पाते टॉप ऑर्डर तो दोनों टीमों का कोलैप्स कुलाप, हो जाता है और आप लोग देखोगे यहाँ पर मैंने सारे के सारे बॉलरों को पिक किया कप्टनसी मैंने यहाँ पर हर्षदीप सिंह को दिए है जिन्होंने कि आपको बताया एक मैच में पांच विकेट भी निकाले थे वरुण चक्रवर्ती को मैंने वाइस कैप्टनसी दी है ठीक है दोनों के दोनों मुझे काफी जबरदस्त लगे और फ्रेंड्स इन दोनों का प्लेयर ना मुझे क्रॉस प्लेयर जो है काफी अच्छा लगा ऐसा लगा कि अगर सपोज दै फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाब किंग की तरफ से हर्षदीप सिंह अच्छे विकेट निकालेगा तो कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती भी कम कहाँ है ठीक है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो जैसे रवि बिश्नोई को आप लोगों ने कैप्टनसी दी और यहां पे दे दी लॉकी फर्गनसन को एक प्लेयर ने बनाया इस तरीके से आप को सा इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा आप को इस वाली टीम में भी, कर भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो ठीक है कई लोग मुझे टेलीग्राम पे कहते हैं कि और भी कॉम्बिनेशन जैसे 10 कॉम्बिनेशन 20 कॉम्बिनेशन शेयर किया जो कॉम्बिनेशनों का बेस रहेगा ना वो मैं आपके साथ यहाँ में शेयर करता हूं ठीक है अगर आप लोग इन पांच टीमों का समझ जाओगे तो आप लोग कितनी भी टीम बना सकते हो ठीक है आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा आप लोग मेरे हिसाब से मिनट में भी ना आप लोग बीस टीम आप 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 लोग लोग बना लोगे ठीक है अगर आप लोग इस को फॉलो और डेफिनेटली लोग देखोगे तीन से चार मैचों में फ्रेंड्स आप लोगों को दो मतलब तीन से चार मैचों में आपकी एक ना एक ग्रैंडिंग में बहुत अच्छी आप लोगों की रैंक आ जाएगी ठीक है अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हो ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि जो पांच टीमों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जो पांच बेस्ट टीमें मैंने इस मुकाबले की बताई आपको ये चीजें पसंद आई होगी और समझ में भी आपको आ गया होगा कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है वहां पर आप लोगों का वेलकम है और फ्रेंड्स पहली बार चैनल तक पहुंचे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अब जाके पसंद आया हो तो लाइक आप लोग जरूर से कर देना और फ्रेंड्स हो सके तो वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो ठीक है तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मुकाबले का बहुत सारा गुड लक